वहीं कोटा पुलिस ने नाता तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 9 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है, जिसकी कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक राजेश सोनी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाकाबंदी के दौरान भारत अरोड़ा को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 ग्राम स्मैक जब्त की गई। साथ ही आरोपी की मोटरसाइकिल और 2 एंड्रॉइड मोबाइल को भी जब्त किया गया है। पुलिस आरोपी से स्मैक की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट।